अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। हम आज बना रहे हैं मटन मलाई हांडी। तो इसमें क्या क्या डलेगा वह मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये मैंने तकरीबन 1.25 kg गोश्त लिया हुआ है और इसमें मैं डालूँगी, सबसे पहले तो ये नींबू डालते हैं आधा, ये मैंने नींबू डाल दिया इसमें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच है, ये जाएगा इसमें। ये मैंने हरी मिर्च को मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये जाएगा इसमें। ये दही है तकरीबन 1 कप, मुझे सही से पता नहीं है 1 कप में कितना होता है, लेकिन ये 1 कप है, ये जाएगा इसमें। ये क्रीम मिलती है, कुकिंग क्रीम, हमने ये डालना है। इसके साथ ही हमने ये सारे मसाले डालने हैं, ये मैं बताती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्ची है जो कश्मीरी मिर्ची होती है, ये जो रेगुलर घर में जो मसाला यूज़ होता है वो है, नमक है, अदकुटी मिर्ची है, मुझे बहुत पसंद है सालन में, मैं हर सालन में डालती हूँ, और ये है काली मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये है हल्दी, और ये गरम मसाला। ये सारे इसमें डाल के हम मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं। ये सारी चीजें इसी में डल जाएंगी इस तरह। मैंने अच्छे से सारा मसाला इसमें लगा लेना है। इसमें मैंने सारे मसाले अच्छे से लगा लिए हैं। अब ये मैं 20 से 25 मिनट के लिए रखती हूँ, जब तक मैं प्याज और टमाटर काटती हूँ। मेरे पास गोश्त गलाने वाला पाउडर नहीं है, तो अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें और कुकर में पका लें। अगर जल्दी नहीं है तो आप इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख दें और कढ़ाई में पका लें। ये 2 प्याज और ये टमाटर हम बारीक चॉप करेंगे और ये डालेंगे। बहुत ही छोटे छोटे पीस में काटना है ताकि जल्दी से गल जाए ये। इस तरह मैंने सारे टमाटर भी और प्याज भी इस तरह कट कर लेने हैं। मैंने प्याज भी वैसे ही चॉप कर लेने हैं जैसे मैंने टमाटर काटे थे, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं काटने हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे भी नहीं काटने हैं। ऐसे मैंने ये दोनों प्याज भी कट कर लेने हैं, फिर मैं बताती हूँ। मेरे पास गोश्त गलाने वाला पाउडर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा सिरका उसमें डाला था और मैं कुकर में बनाती हूँ। और अगर आप ये चीज़ें डालते हो और उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखते हो तो आप जो है उसको कढ़ाई में पका लें, लेकिन मुझे जल्दी भी है और मेरे पास पाउडर भी नहीं था, तो गोश्त थोड़ी देर में पकेगा इसीलिए मुझे कुकर में पकाना है। और गरम हो गई, प्याज हल्के हल्के गोल्डन आ गए हैं, इसको पूरा नहीं पकाना है, बस इस पोजीशन में आ जाए तो हमने इसमें गोश्त डालना है। ये मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर,
इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा भून जाए जो मैंने टमाटर काट के रखे थे, फिर वो मैं डाल दूँगी ताकि ये सालन थोड़ा सा घना सा बन जाए। ये वैसे तो बहुत कम होगा, टमाटर इसलिए डालेंगे ताकि सालन थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए। इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। अभी से इतनी मज़ेदार खुशबू आने शुरू हो गई है इसकी। अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। इसमें गोश्त ने अपना पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, दही है और मलाई है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बंद कर लेती हूँ थोड़ी देर। गोश्त बिल्कुल अच्छे से पक गया है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बनाई कर लेती हूँ। क्या खुशबू आ रही है, देखिए इसमें जो टमाटर थे वो बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है इसके। इसमें इसे थोड़ा सा दही और मलाई का जो पानी पानी है ये खुश्क हो जाए, इसके बाद हम ये निकालते हैं। बस हमारी मटन मलाई हांडी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए सालन नीचे चिपकने लग गया है, इसका मतलब है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, वो वाइट वाइट खत्म हो गया, तो गोल्डन गोल्डन हो गया। ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया। ये लीजिए जनाब, हम लोगों का खाना तैयार हो गया है। मटन मलाई हांडी जो है बिल्कुल तैयार है, तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। अब ये खाते हुए हम बताएंगे कि वाकई में इतना मज़े का बना हुआ है या सिर्फ देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा है। जबरदस्त बना। हांडी की खुशबू ही इतनी जबरदस्त थी, जायके का तो पूछे है मत कि कितना मजेदार था। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।